हे गाइस वेलकम बैक। सो सुबह का टाइम है अभी, वॉशिंग मशीन लगा रखी है मैंने, कपड़े धुलाई का काम चल रहा है। आज कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे कपड़े मैंने इकट्ठे धुले नहीं थे, क्योंकि इसीलिए हमारी इस साइड पर धूप नहीं आती बालकनी में, और काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी तो धूप निकल नहीं रही थी। धूप वैसे भी हमारी बालकनी में आती नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़े दिन डिले कर दिया था कपड़ों को धुलना। तो ऐसे करते करते कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए, दो तीन तो बेडशीट्स इकट्ठी हो गई हैं, कपड़े पहनने वाले जो हैं डेली यूज़ के वो इतने सारे इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने आज वॉशिंग मशीन लगा ली। एंड हाँ, कुछ लोग कॉमेंट करते हैं कि आप हाथ से कपड़े धुलते हो, आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है। जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब फिर मैं ये रही वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, जब ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ एक दो पेयर जब होते हैं या फिर एक आध बेडशीट होती है तब फिर मैं हाथ से ही कपड़े धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वर्कआउट हो जाता है, और फिर एक दो कपड़ों के लिए इतना बड़ा मतलब ताम झाम क्या करना, वॉशिंग मशीन लगाओ ये वो, तो इस वजह से फिर मैं हाथ से कपड़े धुल देती हूँ। तो होप उन लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गई होगी। तो ये रही वॉशिंग मशीन, आज कपड़े ज़्यादा थे वो देखो। एक स्लॉट तो मैंने अभी निकाल के रखा है, धो दिया है, अभी साफ पानी में से निकालूंगी। एक स्लॉट यहाँ पे चल रहा है और एक स्लॉट के कपड़े अभी पड़े हुए हैं जो कि मुझे धुलने हैं, और अभी साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई है घर में, तो मैं अब इन कपड़ों को साफ़ पानी से निकाल देती हूँ। एंड वॉशिंग मशीन होना ना होने का यार कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है, हाथ तो तब भी लगाना ही पड़ता है कपड़ों को, हाथ से खंगालने साफ़ पानी में से निकालने। वॉशिंग मशीन सिर्फ आपको धुल के दे देगी, लेकिन हाथ से साफ़ पानी में से निकालने तो खुद ही पड़ते हैं ना, तो वो काम भी हमें खुद ही करना पड़ता है, वो तो वॉशिंग मशीन करेंगी नहीं। हाँ, जिनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उनके हो भी जाते होंगे, बट मेरी नहीं है, तो मैं फिर हाथ से सारे कपड़े अच्छे से खंगाल के इनको फिर स्पिन करके बालकनी में सुखा दूँगी। तो हाँ जी, क्या कर रहे हो? बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आपको, नहीं काटे।